नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्य रेडनेस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो कि आपके असर्टिवनेस को चेक करते हैं। तो अगर आप में से इनमें से जो भी जवाब आया है आपको इस पिछले ट्रेट के साथ मैच करके आप ये चेक कर सकते हैं कि आप असर्टिव बिहेवियर को मैनेज कर रहे हैं या नहीं। तो आपको ये देखना है कि क्या आपके लक्षण असर्टिव व्यक्ति वाले हैं। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको और बेटर करिए, और अगर नहीं है तो उनको सही करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या आप हेल्प मांग सकते हैं अगर आपको जरूरत है। अगर आप मांग सकते हैं कॉन्फिडेंटली, आप इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि हाँ मुझ में भी कुछ गलतियां या खामियां हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो मुझे नहीं आती, सीखने की जरूरत है, इसका मतलब कि आप असर्टिव बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को बिना उनको गलत कहे या बिना उनको नुकसान पहुंचाए किसी बात के लिए ना कह रहे हैं या ना कह पाते हैं, इसका मतलब कि आपका बिहेवियर जो है वो असर्टिव है। और अगर आप किसी को भी मना नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है अगर मना कर दूंगा या मना कर दूंगी तो ये तो मुझसे रूठ जाएगी या ये तो मेरे से झगड़ा कर लेगी या ये तो मुझसे बात नहीं करेगी या हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी, इसका मतलब कि आप असर्टिव नहीं है। गलत चीजों पर हमें लोगों को मना करना आना चाहिए, और अगर हमें जरूरत है तो हमें लोगों से अपने लिए मदद की मांग करनी चाहिए। तो आपको बाकी क्वेश्चंस के साथ भी ये चेक करना है कि क्या आपका बिहेवियर असर्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक असर्टिव जो इंसान है वो कैसा होता है। पहली चीज ये कि वो अपने अधिकारों को और अन्य लोगों के अधिकारों को, इच्छाओं को, चाहतों को, इन सबको समझता है और उस पर विचार करता है। यानी कि वो ये जानता है कि दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की अपनी अपनी इच्छाएं हो सकती हैं, चाहते हो सकती हैं, और सबके अपने अपने अधिकार हैं। हर किसी के अपने अधिकारों की प्राथमिकताएं हैं कि वो कौन से अधिकारों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। इस पर आप एक अग्री करते हैं और इस बात को समझते हैं और मानते हैं। अगर आप कोई एक चीज पसंद करते हैं और कोई दूसरा इंसान कोई दूसरी चीज पसंद करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए नाराज हो जाएं या उस पर गुस्सा होना शुरू हो जाएं या आप सैड हो जाएं कि अरे इसका बिहेवियर कैसा है। आपको ये एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि हर व्यक्ति की चॉइसेस अलग अलग हो सकती हैं, तब आप एक असर्टिव इंसान होते हैं। यानी कि एक असर्टिव इंसान इस बात को जानता है, ओपन माइंडेड रहता है, खुले दिमाग के साथ रहता है। दूसरी चीज कि एक संतुलित भावनात्मक व्यवहार है उसका, यानी कि आप बैलेंस बनाकर रखते हैं अपने इमोशंस के साथ। जहां खुश होना है खुश होते हैं, जहां पर आपको लगता है कि आप सैड होना चाहते हैं वहां पर सैड भी होते हैं, जहां जरूरत है सैड होने की वहां सैड होते हैं, जहां पर गुस्सा करने की जरूरत है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप किसी दूसरे पर गुस्सा नहीं कर सकते या डांट नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, वो गलत है क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी इंसान की डिग्निटी को नुकसान पहुंचाता है। तो आप अपने बिहेवियर को संतुलित बनाए रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, अच्छी बुरी सब चीजों को मैच करके चलते हैं। हमेशा आपका बिहेवियर सिर्फ खुश रहना, सिर्फ दुखी रहना, सिर्फ गुस्सा रहना, सिर्फ शांत रहना नहीं होता। आप इसमें फ्लक्चुएशंस देते हैं समय के अनुसार। एक अभिव्यक्ति में खुला है, यानी कि आप जो है वो अपने एक्सप्रेशंस को ओपनली शेयर कर सकते हैं, यानी कि आप अपने एक्सप्रेस अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी का आप सही इस्तेमाल उठाते हैं ताकि आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। मुझे कहना पसंद है, मुझे बात करनी पसंद है, जब तक मैं किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ या अपनी बातों से किसी को हर्ट नहीं कर रही हूँ तब तक मैं सही हूँ। तो असर्टिव इंसान क्या करता है, अपनी बातों को रखता है सही ढंग से, बिना किसी को दुख पहुंचाए या बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। नेक्स्ट है कि एक असर्टिव इंसान जो है वो दूसरों की बातों को बिल्कुल धैर्य से सुनते हैं। वो ये जानते हैं कि जितना इम्पोर्टेंट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उतना ही सामने वाले का भी है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर आप एक असर्टिव आइडियोलॉजी या असर्टिव बिहेवियर को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो आपको ये समझना जरूरी है कि आप सामने वाले की बातों को पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ सुने और समझे।
नेक्स्ट है गलती होने पर आप स्वीकार करते हैं और उसकी माफी मांगते हैं। तो जैसे हमने पहले बात करी थी कि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने से कतराते नहीं है, भागते नहीं है, किसी और पे नहीं डालते। आपको लगता है, आपको पता है कि ये गलती आपकी है, तो आप उस गलती को एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए माफी मांगते हैं और साथ ही कहते हैं कि आप उस गलती का सुधार जरूर जरूर करेंगे। ठीक है, तो एक असर्टिव इंसान के अंदर ये कैपेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये होती है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि गलतियां करना मुश्किल काम है, मगर उन गलतियों का की माफी मांगना उससे भी मुश्किल काम है। हम गलतियां कर लेते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम बहुत लगता है कि अरे हम मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो लोग मुझे क्या समझेंगे कि मैं कितनी खराब हूं या बेकार हूं। तो हमेशा गलतियों को एक्सेप्ट वही इंसान करता है जो हिम्मत वाला होता है, जो समझता है कि गलती एक्सेप्ट करने के बाद ही उसको सुधारा जा सकता है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि गलती आपकी है, तो आप उसे कभी भी सुधार नहीं सकते हैं। तो असर्टिव व्यक्ति की एक सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए माफी मांगते हैं और उस पर सुधारने के लिए काम भी करते हैं, और साथ ही दूसरों के बराबर व्यवहार करता है, यानी कि हर किसी के साथ उनका जो बिहेवियर है वो इक्वल है। जैसे वो अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, वैसे वो दूसरों को भी उतनी ही महत्वता देते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हर इंसान की चॉइसेस, हर इंसान की आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है। जैसे आप एक इम्पोर्टेंट ह्यूमन बींग है, वैसे दूसरा इंसान भी एक इम्पोर्टेंट ह्यूमन बींग है, तो आप उसकी महत्वता को समझते हैं, जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम पैसिव और अग्रेसिव भी हो सकते हैं, लोग होते हैं, और रीजन क्या होता है पैसिव बिहेवियर का, कि हमारे अंदर कमी है आत्मविश्वास की, आत्मसम्मान की और आत्ममूल्य की। आत्मविश्वास मतलब कि हम अपने आप को लेकर के हमें अपने आप पर भरोसा नहीं है, हमें लगता है कि हम जो भी करेंगे गलती करेंगे तो करते ही नहीं। फिर आत्मसम्मान यानी कि हम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देते, हमें लगता है कि ठीक है हम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, या हमारी रिस्पेक्ट उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, तो हम अपने आप का सम्मान नहीं करते। और आत्ममूल्य यानी कि हम अपनी वर्थ या अपने मूल्य को नहीं समझते, हमें लगता है कि हमारा कोई मोल नहीं है उस दुनिया में, लोग हमें पसंद नहीं करते या हम लोगों को पसंद नहीं करते, हमारा होना ना होना किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इन चीजों की कमी होती है तब आप पैसिव बिहेवियर को अपनाते हैं, और ये तीनों चीजों की कमी हमारे लिए बहुत गलत है। आपके लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको अपनी खुद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए तभी सामने वाले आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और आपको अपनी वैल्यू भी करनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत वैल्यूएबल हैं एज एन इंडिविजुअल, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, परिवार के लिए और इस पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हर इंसान जो है वो दुनिया में परिवर्तन लाने का काम कर सकता है अगर वो करना चाहता है तो। अब अग्रेसिव जो बिहेवियर है उसके क्या रीजन हो सकते हैं, कि हम हमेशा दूसरों की भावनाओं की उपेक्षा करना चाहते हैं या करते हैं, और साथ ही अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं। तो अग्रेसिव होने का मतलब क्या है, या हम अग्रेसिव कब होते हैं, जब हम दूसरों की भावनाओं की उपेक्षा करते हैं, यानी कि दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, हमें लगता है कि इस इंसान का तो कुछ कुछ मूल्य ही नहीं है, है ना। यानी कि आप यहाँ पर अपने आप को ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं और दूसरों को हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं या उनकी दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है कि आप हमेशा दूसरों को अपने आप, मतलब अपने आप को दूसरों से ऊपर रखना चाहते हैं, आपको लगता है कि अगर मैंने इसकी बात के लिए हाँ कर दी तो मेरी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी, या अगर मैं इसकी बात मान गया या मैंने इससे थोड़ा सॉफ्टली बात कर ली तो मेरी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। ये आपको एग्रेसिव बनाता है, आपको ये समझना होगा कि अपनी इम्पोर्टेंस जताने के लिए आपको चिल्लाना, डांटना या लोगों की गलतियां ठहराना जरूरी नहीं है। लोग तब भी आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे जितना कि अभी करते हैं। इवन अगर आप गुस्सा करेंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे, तब लोगों के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट कम होगी, बट लोगों को ऐसा लगता है कि चिल्लाना, डांटना, आप अपना कंट्रोल मेंटेन करके अपनी रिस्पेक्ट या अपने आप को इम्पोर्टेंस दिला सकते हैं। तो रीजन है अग्रेसिव बिहेवियर का कि हम हमेशा दूसरों की भावनाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, और हमेशा ये चाहते हैं हम कि हम दूसरों से ऊपर रहें, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने इसकी बात मान ली या इसके साथ में हमें हाँ मिला दी तो हम इनसे नीचे चले जाएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए।
हमेशा असर्टिव व्यक्ति का होना, असर्टिव व्यक्ति की जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा होती है। इवन जब आप असर्टिवनेस को फॉलो करना शुरू करेंगे, आप अपने आप की ही रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि आपको लगेगा कि आप किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे, ना ही तो किसी दूसरे को, ना ही तो अपने आप। अब असर्टिव होने के फायदे क्या क्या है इस पर बात करते हैं कि जब भी हम असर्टिव होते हैं, कोई भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा, यानी कि कोई भी आपको हल्के में नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई आप अगर आज किसी बात के लिए हाँ कर रहे हो, तो अगली बार आप उस बात के लिए मना भी कर सकते हो, है ना। आपको कोई हमेशा ही नहीं बोलेगा कि चलो इससे करवा लेते हैं, तो हाँ ही करती है, तो कभी मना नहीं करती। इसको बोलते हैं हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, कि लोगों को पता है कि ये तो कहीं जाएगी नहीं, इसके तो ये तो सिर्फ हमारे साथ ही रहती है, हम ही इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो आपका खत्म हो जाएगा। यानी कि लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं कि आप अपने अधिकारों के लिए बोलना जानते हैं और आप अपने अधिकारों के लिए खड़े होना जानते हैं। अगर किसी सही बात के लिए आप हाँ करते हैं, तो किसी गलत बात के लिए आप मना भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि आप यहाँ पर हमेशा असर्टिव होने का फायदा है कि सभी लोग जो भी आपके साथ इन्वॉल्व हैं, वो सभी लोग विन विन सिचुएशन में होते हैं। यानी कि वो लोग, हर व्यक्ति की जीत होती है, आप अपना भी फायदा करते हैं, दूसरे का भी फायदा करते हैं। सभी लोग हमेशा प्रोत्साहित होते हैं, एनकरेज होते हैं, क्योंकि किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा, किसी के साथ भी गलत नहीं हो रहा। ये एक क्या करता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां पर लोग जो है वो खुशी खुशी काम करते हैं। एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जब आप असर्टिव बिहेवियर को फॉलो करते हैं। हमेशा जो अननेसेसरी वर्क है, जो फालतू का काम है, जो नहीं होना चाहिए, उसको भी ये कम करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप असर्टिव है, तो ये आप ये जानते हैं कि सामने वाला भी इम्पोर्टेंट है, आप भी इम्पोर्टेंट है। आप सिर्फ उन्हीं काम पर फोकस करेंगे जो एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, फालतू के काम पर आप ध्यान नहीं देंगे। साथ ही आप अप्रियता से बचेंगे, यानी कि लोग आपको नापसंद करना बंद कर देंगे। हर इंसान आपको पसंद करेगा, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आपका बिहेवियर जो है वो सही बिहेवियर है। तो असर्टिव होने के ये सारे फायदे हो सकते हैं। अब हम आगे की वीडियो में ये बात करेंगे कि असर्टिव होने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो तब तक के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने बिहेवियर में जो असर्टिव बिहेवियर है, उसके कुछ ट्रेट्स को शामिल करें और धीरे धीरे करके अपने बिहेवियर को असर्टिव बिहेवियर में लेकर के आए, क्योंकि ये आपके करियर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो के साथ मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।